सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती की एक चैट सामने आई, जिसके बाद खुलासा हुआ कि सुशांत ड्रग की चपेट में थे। इस खुलासे के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि अगर बॉलीवुड में नारकोटिक्स टेस्ट होता है तो कई बड़े सितारे जेल में होंगे। कंगना रनौत ने ट्वीट कर खुलासा किया कि उनके ड्रिंक्स में ड्रग मिला दी जाती थी। उन्होंने लिखा, मैं नाबालिग थी और मेरे मेंटोर ने मुझे तंग किया, वो मेरे ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते थे और पुलिस के पास जाने से रोकते थे। जब मैं सफल हो गई और मशहूर फिल्मी पार्टियों में जाने लगी, तब मेरा उस खतरनाक दुनिया ड्रग्स, अय्याशी और माफिया जैसी चीजों से सामना हुआ। एक दूसरे ट्वीट में कंगना ने लिखा, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे लोकप्रिय ड्रग कोकीन है। ये लगभग सभी घर पार्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी महंगा है, लेकिन शुरुआत में जब आप बड़े और शक्तिशाली लोगों के घरों में जाते हैं तो इसे मुफ्त में दिया जाता है। कंगना ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड में एंट्री की तो कई ए लिस्टर जेल में होंगे। अगर ब्लड टेस्ट किए गए तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। आपको बता दें कि सुशांत केस में अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यानी एनसीबी ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली में एनसीबी डायरेक्टर के आदेश पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ऊपर से कंगना रनौत का ये बयान वाकई चौंकाने वाला है। वीडियो डेस्क AmarUjala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।